रूस यूक्रेन महायुद्ध का आज 33वां दिन। रूस ने कीव, खार्किव और मारियोपोल में किए जबरदस्त हमले। कई शहरों में बजे हमले के सायरन। आज टर्की में होगी रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता। अब तक कई दौर की बातचीत रह चुकी है बेनतीजा। यूक्रेनियंस के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट, कहा हम आपके साथ खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को ललकारा, कहा नेटो की सीमा में एक इंच भी घुसे तो खैर नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, रूस में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका के पास नहीं है कोई रणनीति। और अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने दिया बयान, यूक्रेन पर हमले के लिए भारत को करनी चाहिए पुतिन की निंदा, तेल आयात पर भी रोक लगाने पर करें विचार। पुतिन पर बाइडेन के बयान का नेटो में अमेरिकी राजदूत जूलियाना स्मिथ ने किया बचाव, कहा ये उनकी एक सैद्धांतिक मानवीय प्रतिक्रिया थी। अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जेम्स रिच ने कहा अपने शब्दों को लेकर सावधानी बरते राष्ट्रपति बाइडेन। रूस के हमले के बाद से अब तक यूक्रेन में 1119 लोग मारे गए हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने साझा किया आंकड़े। यूक्रेन का दावा, रूसी सैनिकों ने किया 7 लोगों का अपहरण। यूक्रेन का बड़ा दावा, युद्ध में रूस कर रहा है फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल, बच्चों समेत कई लोगों की मौत। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस ने क्रूज मिसाइलों से लवीव शहर पर किया हमला। यूक्रेनी मीडिया की पोस्ट ने किया ट्वीट, कहा यूक्रेनी साहित्य और इतिहास को नष्ट कर रहे हैं रूसी सैनिक। यूरोप में खड़ा हुआ शरणार्थी संकट, युद्ध के बीच अब तक यूक्रेन से 37 लाख लोग हुए बेघर। यूक्रेन के सांसद अलेसिया वेसिलोंका ने कहा कीव में लोगों के पास भोजन की कमी, गंदा पानी, पीने को मजबूर। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेक ने कहा कि रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में जनमत की नहीं होगी मान्यता। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के मुताबिक यूक्रेन ने 27 मार्च को 4 रूसी प्लेन, 3 ड्रोन और 1 हेलीकॉप्टर किए तबाह। रूस यूक्रेन भीषण जंग में दहला खार्किव शहर, रूस ने दागे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट, रूसी हमले में खार्किव शहर बुरी तरह से तबाह। रूस ने खार्किव शहर के होलोकास्ट मेमोरियल पर किया अटैक, नाजी हमले में मारे गए 15,000 यहूदियों की याद में बनाया गया था मेमोरियल। मारियोपोल में चेचन लड़ाकों की एंट्री, यूक्रेनी सेना और चेचन लड़ाके आमने सामने, दोनों ओर से गोलीबारी का वीडियो आया सामने। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, यूक्रेनी आर्मी ने रूसी टैंक को बनाया निशाना, लैंडमाइन के जरिए रूसी टैंक BMP-3 उड़ाया। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत का दौरा कर सकते हैं रूसी विदेश मंत्री, दोनों देशों में रुपए रूबल में व्यापार पर चर्चा संभव। जो बाइडेन के पुतिन को लेकर की गई टिप्पणी से इमैनुअल मैक्रों ने खुद को किया अलग, जल्द करेंगे पुतिन से बात। जापान के 3 प्रमुख बैंकों ने रूस के बैंक के साथ डॉलर के लेन देन को सस्पेंड किया, यूक्रेन पर हमले के खिलाफ दिया फैसला। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का तंज, यूक्रेन को लड़ाई में मदद के लिए पश्चिमी देशों को और साहस की जरूरत। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने पुतिन से फोन पर बातचीत की है, युद्ध विराम और बेहतर मानवीय परिस्थितियों की आवश्यकता पर जोर दिया। कीव मेयर विटाली ने जानकारी दी है कि आज से शुरू होगी ऑनलाइन स्कूली शिक्षा। रूस ने जर्मन समाचार पत्र की वेबसाइट बिल्ड पर लगाई रोक, अधिकारियों ने दी जानकारी। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस्क लेड्रियन ने
युद्ध के बीच मारियोपोल में फंसे नागरिकों की मदद की बात कही। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए नियुक्त किया युद्ध अपराध सलाहकार, अटॉर्नी जनरल सुएला वेबरमैन ने दी जानकारी। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का बयान, रूस से कुकिंग कोल का आयात जारी रखेगा भारत। पोलैंड में अमेरिकन सैनिकों को जो बाइडेन ने दी खुली छूट, कहा नेटो पर हुआ हमला तो सोचने की नहीं है कोई जरूरत। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले पोप फ्रांसिस, मानवता को खत्म करने से पहले मानवता के लिए युद्ध को खत्म करना जरूरी। जंग के बाद यूक्रेन में अनाज निर्यात में आई भारी कमी, प्रतिमाह 4 से 5 मिलियन टन घटा निर्यात। WHO का दावा, रूस ने यूक्रेन के 70 से ज्यादा हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी को बनाया निशान। IMF चीफ का बयान, यूक्रेन संकट से पश्चिम एशिया में बन सकते हैं अशांति के हालात। यूक्रेन के जेलेंस्की ने मॉस्को को गुस्से में चेतावनी दी है, कहा मॉस्को यूक्रेनी लोगों के भीतर रूस के लिए गहरी घृणा के बीच बो रहा है। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख ने भविष्यवाणी की, कहा रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में जल्द ही यूक्रेनी गोरिल्ला युद्ध शुरू होगा। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख का बयान, कहा रूस कब्जे वाले क्षेत्रों को एक अर्ध राज्य इकाई में एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने की और हथियारों की मांग, कहा रूस ईंधन और खाने के गोदामों को नष्ट कर रहा है। यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार का बयान, कहा रूस हमारे तेल डिपो और खाने के गोदामों को नष्ट कर रहा है। उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक का बयान, कहा यूक्रेन और रूस ने सीमावर्ती क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने के लिए 2 मानवीय गलियारों पर सहमति व्यक्त की। यूक्रेन के अभियोजक जनरल इरिना का बयान, 24 फरवरी को रूस के युद्ध शुरू करने के बाद से देश में 12 पत्रकार मारे गए। यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्र में प्रमुखों का बयान, कहा वो रूस का हिस्सा बनने के लिए वोट कर सकते हैं, इससे यूक्रेन की टेंशन बढ़ सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, कहा रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के शहर लवीव में उच्च सटीकता वाली क्रूज मिसाइलों से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन की समाचार वेबसाइट द कीव इंडिपेंडेंट ने बड़ा दावा किया है, कहा युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के 16,600 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश कर सकता है रूस, यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख का दावा। यूक्रेन का दावा, रूस के 70 सैन्य दस्ते कर दिए तबाह। रूसी सेना ने लवीव के उत्तर पूर्वी इलाके में 2 रॉकेट दागे जो औद्योगिक क्षेत्र में गिरे और इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। लगातार चर्निहिव की तरफ बढ़ रही रूसी सेना, रूसी सैनिकों ने चर्निहिव को चारों तरफ से घेरा, रास्तों को भी किया ब्लॉक।